सोपुर में पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ द्वारा मिलकर के किया गया और हमारे फील्ड कमांडर्स ने इस ऑपरेशन को पूरी रात सुपरवाइज किया और सीनियर लेवल पे मेरे भाई जानम जीओसी साहब और आईजी साहब पल पल इस ऑपरेशन को मॉनिटर करते रहे। बहुत नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा ऑपरेशन हुआ जिसमें तीन बहुत ही खूंखार टेररिस्ट कमांडर मारे गए और ये तीनों के तीनों अपने आप में कमांडर थे, क्योंकि बड़े लंबे अरसे से बहुत तरह के टेरर क्राइम को ये अंजाम दे रहे थे। सबसे टॉप पर जो आता है वो मदस्सर पंडित, जिसको उमर भी कहते थे, रुखाना भी कहते थे, मुद्दू भी कहते थे और माज भाई भी कहते थे। ये जून 19 से एलईटी कमांडर इस एरिया का है, 18 एफआईआर उसके खिलाफ है और बहुत सारी किलिंग्स उसने करी जिसमें 4 सिविलियन, 9 एसएफ किलिंग्स, 2 एक्स मिलिटेंट्स जो कभी मिलिटेंसी के साथ लोग वाबस्ता रहे उनकी किलिंग, 3 सरपंच और हुरियत और सेपरेटिस्ट कार्डर्स के 2 लोग, और इसके अलावा अलग अलग तरह की एक्टिविटीज जो लोगों को थ्रेटन करना और लोगों को पॉलिटिकल प्रोसेस और बाकी गवर्नमेंट एक्टिविटी से दूर रखने की कार्रवाइयां शामिल हैं। इसका बहुत पुराना साथी जो पाकिस्तान का टेररिस्ट है अब्दुल्ला, जिसको असरार भी कहते हैं, वो भी इसका लंबे अरसे से साथ नभाता रहा। पहले मुदस्सर से पहले जो मुदस्सर का कमांडर उसके साथ चलता रहा और उसके बाद मुदस्सर के साथ चलने लगा और लगभग सारी की सारी आतंकी कार्रवाइयां, दहशतगर्दी की कार्रवाइयां जो मुदस्सर पंडित ने करी उसमें उसका साथ दिया। उसके अलावा तीसरा कमांडर जो है खुर्शीद अहमद मीर है, ये ब्राड क्लास सोपुर का ही रहने वाला है और ये भी कोई मई 20 से लश्कर ए तौबा टेररिस्ट आउटफिट के साथ मुदस्सर के ग्रुप के साथ काम कर रहा है और इसके सर पे भी 6 एफआईआर, 7 किलिंग, 2 ग्रेनेड अटैक, 7 एसएफ की किलिंग और 2 ग्रेनेड अटैक और 5 सिविलियंस की किलिंग्स हैं। ये भी लगभग बहुत सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज जो मुदस्सर पंडित ने करी उसमें उसके साथ रहा। आपको याद होगा हाल ही में 12 जून को मार्केट के अंदर अटैक हुआ था जिसमें हमारे पुलिस के 2 जवान शहीद हुए थे और 2 सिविलियन भी अपनी जान गंवा गए थे इन्हीं दहशतगर्दों की फायरिंग से। ये तीनों के तीनों उस दहशतगर्दी कार्रवाई में भी इन्वॉल्व थे। उससे पहले इन्होंने म्यूनिसिपल बिल्डिंग जो है उसके ऊपर अटैक किया था मार्च के महीने में 29 मार्च को, और उस इंसिडेंट में भी हमारे 2 म्यूनिसिपल काउंसलर और उसके साथ एक पुलिस के साथी हमारे शहीद हुए थे। मुदस्सर पंडित ने बहुत अरसा पहले जब एब्रोगेशन के बाद इमीडिएटली दहशतगर्दों ने लोगों की आवाज को दबाना शुरू किया, लोगों के मूवमेंट को दबाना शुरू किया, उस वक्त एक फ्रूट मर्चेंट के घर पे जाके अटैक किया था जिसमें 3 साल की बच्ची भी जख्मी हुई थी, उस दहशतगर्दी की कार्रवाई में भी ये शामिल था। रात के ऑपरेशन की जो ज्यादा डिटेल है आपको मैं चाहूंगा कि आईजी साहब और जीओसी साहब दें, और उसके अलावा आपके जो सवालात होंगे ओवरऑल सिचुएशन के बारे में, यू आर वेलकम टू आस्क दोस क्वेश्चन फ्रॉम मी। बहुत ही चैलेंजिंग ऑपरेशन था, लेकिन जिस सर्जिकल तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेज ने ज्वाइंटली इसको अंजाम दिया वो काबिले तारीफ है, और जो इसमें इन्वॉल्व थे मैं उन सबको कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगा। कल रात मौसम बहुत खराब था, एक बिल्टअप एरिया था और इस बिल्टअप एरिया में जो ऑपरेशन है उनका बहुत चैलेंज होता है क्योंकि कोलेट्रल डैमेज होने के चांसेस बहुत होते हैं। उस घर के अंदर जो लोकल सिविलियंस वहां रह रहे हैं उसमें मेल मेंबर्स हैं, लेडीज हैं, बच्चे हैं, और इस ऑपरेशन की एक खास बात है कि इसको अंजाम करते हुए किसी भी प्रकार का कोई भी कोलेट्रल डैमेज नहीं हुआ। हमारे एक जवान को
गनशॉट वुंड हुआ शोल्डर के लेफ्ट शोल्डर में, उसको इमीडिएटली रात को हेलीकॉप्टर के जरिए बैकवर्ड किया गया और वो बिल्कुल सही सलामत है और स्टेबल है। उसके अलावा इस कंप्लीट ऑपरेशन को अंजाम देने में जो प्रोफेशनलिज्म सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा दर्शाया गया है वो काबिल तारीफ है। दूसरी बात, अगर आप इस ग्रुप के बारे में जो डीजी साहब ने बताया है, ये लगातार इन कार्रवाइयों को अंजाम दे रहा था और जो ग्रुपिंग हमने देखी है उसमें लोकल टेररिस्ट के साथ हार्डकोर पाकिस्तानी टेररिस्ट इनके साथ होते हैं। ये रिसेंट इंसिडेंट्स में काउंटर में सेकंड मौका एक सीलू में ऑपरेशन हुआ था जहां पे हमने दो टेररिस्ट को मारा था, एक लोकल था और एक पाकिस्तानी टेररिस्ट था। तो ये बड़ा एक नेटवर्क जो नेक्सस है जो एग्जिस्ट कर रहा है और यही एक कॉज ऑफ कंसर्न है कि जो लोग इकट्ठे मिलके ऐसे ऑपरेशन को अंजाम देते हैं और इनोसेंट कश्मीरियों का खून बहाते हैं। इस नेक्सस को तोड़ना है, इस नेक्सस को डिस्ट्रॉय करना है ताकि जो पीस एंड डेवलपमेंट जो जम्मू कश्मीर में हो रही है उसमें कोई खलल ना डाल पाए। सो मैं अपील करना चाहूँगा सिविल सोसाइटी को, अपील करना चाहूँगा कश्मीरी अवाम को कि सिक्योरिटी फोर्सेस का साथ दें ताकि जो नेटवर्क है हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकें। ये जो नेटवर्क है ये साइकिल ऑफ वायलेंस को लगातार अंजाम देना चाहता है। डीजीपी साहब के अलावा हमारे कोर कमांडर साहब चिनार कोर के कमांडर साहब ने भी बार बार इस चीज़ को रिपीट किया है कि हम सब ने मिल के जो साइकिल ऑफ वायलेंस है उसको तोड़ना है। और साइकिल ऑफ वायलेंस को तोड़ने के दो तरीके हैं, दो पहलू हैं। एक, इस नेटवर्क को सपोर्ट देना बंद करना होगा ताकि इनोसेंट कश्मीरियों की जान ना जाए। और नंबर टू, जो इनको सपोर्ट करते हैं, जो आलिशान घरों में रहते हैं, जिनका इसमें सिर्फ पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, लोगों के बच्चों को एक्टिवेट करके उनको टेररिस्ट बनाते हैं, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। बड़ा दुख लगता है जब हम यंग लड़के जो घरों से चले जाके तंजीम ज्वाइन करते हैं, जब उनके बूढ़े माँ बाप रो के उनको वापसी की अपील की दुहाई देते हैं तो बड़ा बुरा लगता है। तो देयरफॉर जो सिस्टम एग्जिस्ट करता है उसको तोड़ना, नए लड़कों को रिक्रूट बनने से तंजीम ज्वाइन करने से रोकना, ये दो पहलू हैं जो अपने इस साइकिल ऑफ वायलेंस को बिल्कुल जड़ से उखाड़ने में मदद करेंगे। और जो ज्वाइंटमैनशिप हमारी ऑल लेवल्स पे है, बेशक वो एसओजी के साथ है या सीआरपीएफ के साथ है, ग्राउंड कमांडर्स जो हैं, आई थिंक जितने भी ऐसी कार्रवाइयाँ को अंजाम देने में कोई लोग सफल हुए थे उन सबको हम इंट बेस्ड सर्जिकल ऑपरेशन द्वारा जल्द ही जल्द उनको ख़त्म करने में कामयाब होंगे। और लास्ट में अपील करना चाहता हूँ कि लोकल जो टेररिस्ट हैं, जो लड़के लोगों ने गन उठाई है, पहले भी वो कमांडर साहब डीजी साहब अपील कर चुके हैं कि उनको नेशनल मेनस्ट्रीम में लाने में हम उनकी मदद करेंगे। मैं भी फिर एक बार दोहराना चाहता हूँ कि वो गन कल्चर को त्यागें, नेशनल मेनस्ट्रीम को ज्वाइन करें, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो मैं आश्वासन देता हूँ कि उनका भी अंजाम वही होगा जो कालीन तीन टेररिस्ट का हुआ है। थैंक यू। कल वाली इंकाउंटर का जो बैकग्राउंड है, जब पिछले तीन महीना के अंदर में दो मेजर अटैक हुआ, उस अटैक में हमारे पुलिस के तीन शहीद हो गए और चार सिविलियन दो पोस्टर शहीद हो गए। उसके बाद एसपी ने एक पोस्टर जारी किया था, आप लोग देखे होंगे पोस्टर, पूरा डिटेल दिया, मिलिटेंट को रिवार्ड पहुंचा गया। आवाम की तरफ से बहुत सपोर्ट आया, बहुत खबर आते रहा उनकी मूवमेंट के बाद में। ठीक है कि पुलिस ने उसको पिन पॉइंट किया, लेकिन इसमें लोगों का बहुत सहयोग मिला। मैं आवाम को समझाया करता हूं कि आपने पुलिस का सपोर्ट किया ऐसे कातिल को मरवाने में। दूसरी बात है, इसका एस्पेक्ट ये भी है कि ये मिलिटेंट किस घर में था, ये सोचने वाली बात है। इसे मैं बार-बार कहता हूँ कि मिलिटेंट फैमिली मेम्बर जो है अपने आप को सुधार ले। नसीर उद्दीन जो मिलिटेंट था, जो हंदवाड़ा में लास्ट में मारा गया था, जो बहुत सारे सीआरपी को, छह सीआरपी वाले को अटैक को किया, जिसमें हमारे सीआरपी के छह जवान शहीद हुए थे, इन्वॉल्व था नसीर लोन, उसके घर में था मिलिटेंट। तो मैं मिलिटेंट के फैमिली मेम्बर से यह आग्रह करता हूँ कि अपने घर में मिलिटेंट को पनाह नहीं दें। फिर आप बोलते हैं कि पुलिस उनको जाती करती है, पकड़ती, पूछताछ करती है, ये एविडेंस कल का एविडेंस है, इनकाउंटर उनके घर में हुआ, मिलिटेंट छिपा हुआ था। तीसरा एस्पेक्ट जो यूथ को खराब कर रहे हैं वो है नार्को ट्रेडिंग का। आप देखते हैं सोपुर जो है हब है नार्को, बहुत वहाँ सब्सटेंस मिलता है पूरा। एसएसपी बारामूला ने बहुत सारे मॉडल को बस्ट किया है, कुपवाड़ा भी वहाँ दो मेजर नार्को टेरर मॉडल को बस्ट किया गया है।
मैं यूथ से अपील करता हूँ कि नारकोटिक्स से दूर हटे, उनके पेरेंट्स से भी अपील करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों पर पेरेंटल कंट्रोल रखिए। बच्चे क्या करता है नहीं करता ये आपकी जिम्मेदारी है, ये पुलिस लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की काम नहीं है। हमारा काम तब होता है जब क्राइम करते हैं, जब आपके बच्चा क्राइम करता है तब मेरा ड्यूटी होता है, लेकिन उससे पहले क्या हो रहा है इसके लिए पेरेंट्स जिम्मेदार है, सोसाइटी जिम्मेदार है, नेबर्स जिम्मेदार है, आप मीडिया फ्रेंड्स का भी ये ड्यूटी बनता है कि ये आवाम को हर यूथ को एजुकेट करे, ये बात फैलाए, नार्को डेवलपमेंट नहीं पड़े, टेररिज्म को छोड़े। क्योंकि देखिए ना, अगर इंसिडेंट होता है ग्रेनेड थ्रो होता है, जैसे सोपुर का था, हमारे दो सिविलियन भी मारे गए पुलिस पर अटैक हुआ, तो ये जो हम लोग सिलसिला शुरू किए हैं तो आवाम से मांगते हैं, हेल्प मांगते हैं, पोस्टर डाल के इसमें बात को आप लोग फैलाएं, ये आवाम को आप लोग अपील करें। ऐसे जो कल्पिट्स हैं जो सोसाइटी में डिस्टर्बेंस करना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ पुलिस सिक्योरिटी फोर्स वाले शहीद होते हैं, सिविलियन भी जा रहे हैं, उनका भी लॉस हो रहा है। आप में से कोई खुदा नहीं करता है हो कहीं ग्रेनेड हो जाए, आप में से कोई कुछ हो सकता है, ये सबके लिए है चैलेंजिंग है। आप सब मिलकर काम करें और सोसाइटी में एक ऐसा फीलिंग डालें कि जो टेररिज्म जाए ये पूरे सोसाइटी के लिए ये हार्मफुल है, सिर्फ सिक्योरिटी फोर्स पुलिस के लिए नहीं है, ये लड़ाई सोसाइटी वर्सेस टेररिस्ट का होना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो सर लेंगे। अंदर दो फॉरेन टेररिस्ट मारे गए हैं और इंसिडेंटली दोनों ही सोपोर के एनकाउंटर्स में मारे गए हैं, दोनों ही लश्कर तौबा के थे, जिससे ये तो साफ है कि फॉरेन टेररिस्ट अभी मौजूद है। दूसरा ये भी है कि अभी फॉरेन टेररिस्ट थोड़ा लाई लो कर रहा है, फासले पे रह रहा है, हमारे पास उनके नाम नंबर डिटेल सब कुछ है जिसके मुताबिक ऑपरेशन हमारे लॉन्च हो रहे हैं। ये बात जरूर है कि अभी इस साल में जो इन्फिल्ट्रेशन है वो बड़ी सख्ती से चेक हुई है और उसमें दोनों तरफ जो सीज फायर वॉयलेशन की अंडरस्टैंडिंग काफी हाई लेवल पे हुई, उसका भी एक बहुत अच्छा असर, पॉजिटिव असर देखने को मिला है, जिसको हम वेलकम करते हैं। मगर ये अभी मानना कि फॉरेन टेररिस्ट नहीं है ये अभी गलत होगा, अभी ठीक ठाक तादाद उनकी अवेलेबल है और हमारे ऑपरेशन आने वाले टाइम में उनको टारगेट करते रहेंगे। How many at present are present in Srinagar city? Because it has been a challenge to monitor Srinagar city. And how are you going to deal with the street? Srinagar city as such is no big presence of terrorists, but we have a couple of people who have gone active and they are moving around on the outskirts of Srinagar city, and they also go to the neighboring districts. Our police is watchful and we have been tracking them wherever they move. That's the fact that one or two incidents in Srinagar city have taken place. That is possible in the kind of scenario that we have in the big cities where lots of movement takes place and you can't filter every movement 100%. But our aim is quite strong and I'm sure and I assure you that in the near future, very soon we're going to get some more good operations around Srinagar city. देखिए सिक्योरिटी के लिहाज से हम लोग अपनी जो बेसिक ऑपरेटर सिक्योरिटी का वी हैव पुट इट इन प्लेस, वी आर प्रिपेयर्ड एंड रेस्ट आई थिंक श्राइन बोर्ड इज द राइट अथॉरिटी टू मेक फर्दर एनी कमेंट ऑन दैट। सर डेज बिफोर पुलिस मैन वाज किल्ड इन जोनी मरेना, सर सद मोरा जोनी मरेना, सर एनी डेट सो वाज बिहाइंड दैट अटैक? सॉरी सर, पुलिस मैन वाज किल्ड इन Yes, police have got the leads and we would like to share it with them. We are after the culprit and very soon we will bring it to justice. Sir, there is a positive picture of ceasefire agreement on ground. But then how is Pakistan keeping the boil at present? What kind of channels he is using to fund terrorism in Kashmir? See, there are two, three things that have happened in between. One is weapon smuggling, and that weapon smuggling has taken place both in Jammu sector along the IB. Drones have also been used to drop weapons from across. And on this side, Kupwara district, there have been incidents of weapon smuggling and narcotics smuggling. Two kinds of material, weapon and narcotics have been smuggled into this area.
Other than that, there is no infiltration, there is no footprint of any infiltration, and that kind of situation holds. I think that is good for our people and good for our nation and good for our neighbor also. Sir, in Kashmir, have you got any intimation about the release of some more political leaders who are in jail? Have you got any intimation regarding that? Let me tell you that there is not a single person, single political person who is in custody as of today. Sir, last question. Sir, a PhD scholar from Pemda recently, Aji Sam, and Aki, who have been in the next train here. What is the name of the